तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो आज हम खड़े हैं 2019 इलीट i20 के सामने। तो चलिए दोस्तों इसका फुल रिव्यू और स्पेसिफिकेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या इस गाड़ी में 2019 में नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, साथ में जो हैचबैक इंडिया का सबसे बड़ा कार मार्केट है उसके अंदर कैसा परफॉर्म करती है इलीट i20। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया की काफ़ी लव्ड कार भी है, साथ में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं मार्केट के अंदर, जो कि है मारुति सुजुकी बलिनो, साथ में मारुति सुजुकी स्विफ्ट, वॉक्सवैगन पोलो। तो ये जो कार सेगमेंट का मार्केट है हैचबैक सेगमेंट का, ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूम करता है। तो चलिए दोस्तों हुंडई i20 के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी की तरफ देख लेते हैं। तो ये है हुंडई i20 की नई की। तीन फंक्शंस अवेलेबल हैं, लॉक अनलॉक और होल्ड टू बूट। आप इसे डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी की तरफ देखते हैं। दोस्तों ये हैं इसके नए प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स विद LED DRLs। यहाँ पे आप जो हेडलैम्प्स देख सकते हैं इसके अंदर कुछ फर्स्ट इन क्लास फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है हुंडई ने, वो है पोजीशनिंग हेडलैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प्स एंड कॉर्नरिंग फंक्शन। साथ में हम नीचे फॉग लैम्प्स देख सकते हैं गाड़ी के, यहाँ ब्लैक फिनिश देख सकते हैं फॉग लैम्प्स पे। यहाँ पे आप बोल्ड कैस्केड ग्रिल, जो कि हुंडई की सिग्नेचर ग्रिल्स है उसकी कार्स के लिए, साथ में हुंडई की बैजिंग देख सकते हैं। इस साइड भी आप LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देख सकते हैं विद LED DRLs। चलिए दोस्तों गाड़ी की साइड प्रोफाइल को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये है हुंडई i20 की साइड प्रोफाइल। डायमेंशंस आपको आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो इससे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm। चलिए दोस्तों इसके एलॉय व्हील्स की तरफ हम देख लेते हैं। तो ये हैं दोस्तों इसके R16 डायमंड कट एलॉय व्हील्स। आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश एलॉय व्हील्स दिए गए हैं हुंडई i20 के अंदर। यहाँ पे आपको क्रोम हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ भी आप क्रोम हैंडल्स देख सकते हैं। आप गाड़ी का बी पिलर देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको एंटीना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप गाड़ी की नई रीडिज़ाइन टेल लैम्प्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, इस तरफ आपको हुंडई की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इस तरफ आपको मॉडल की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ भी आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप रियर वाइपर देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल कितना अच्छा लुक देती है हुंडई की i20 को। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के मॉडल्स की बात कर लें। जो 2019 हुंडई इलीट i20 है उसके अंदर मॉडल्स में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और दोस्तों वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। जो हुंडई की नई लाइनअप है मॉडल्स की वो अब ऐसे है। सबसे पहले इसके अंदर आपको मिलता है इरा मॉडल, उसके बाद आपको मैग्ना प्लस मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्पोर्ट्स प्लस देखने को मिलेगा, उसके बाद जो एस्टा मॉडल आता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और सिर्फ एस्टा ऑप्शन मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल में ये गाड़ी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में अवेलेबल है, पर डीजल में सिर्फ आपको मैनुअल में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो डीजल वेरियंट है वो है 1.4 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 89 BHP ऑफ पावर और 220 Nm ऑफ टॉर्क। और गाड़ी के एवरेज की अगर बात करें तो गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा है, जो कि 22.5 km/L। गाड़ी के पेट्रोल वर्जन की अगर बात करें तो वो है उसका 1.2 लीटर कापा VTVT पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 82 BHP ऑफ पावर एंड 150 Nm ऑफ टॉर्क। उसका भी एवरेज आपको सिटी में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, जो कि 19.8 km/L। जो पेट्रोल वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 5-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, और जो इसका डीजल वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये टॉप एंड एस्टा ऑप्शन पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरियंट है। यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कीलेस एंट्री है विथ क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स।
यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवी विद टर्न इंडिकेटर्स। और दोस्तों मैं अब जो आपको इसकी लाइट्स दिखाई थी इसको भी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ अब। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं गाड़ी के एलईडी डीएल्स जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं जब ये गाड़ी रोड पे चलती है। आप इस साइड से भी गाड़ी के एलईडी डीएल्स को देख सकते हैं जो कि काफ़ी यूनिकली डिज़ाइंड है। कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स, पोजिशनिंग हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का भी फीचर आपको हेडलैम्प्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको हुंडई की इलीट i20 में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ऑटो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ की हमने गाड़ी अनलॉक, यहाँ भी आपको क्रेटा की तरह साउंड देखने को मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। तो यह आप ब्लैक एंड बेज इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको पावर विंडो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश के डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। ये गन मेटल फिनिश है, प्रॉपर सिल्वर फिनिश नहीं है, तो गन मेटल ग्रे जो फिनिश होता है वो फिनिश है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप सीट देख सकते हैं गाड़ी की। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं और बैठते हैं क्या कैसा कम्फर्ट्स कैसी सीट्स इसकी हुंडई i20 की हमको प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं हुंडई की एलीट i20 के अंदर। तो यहाँ जो आप स्पेस देख रहे हैं थोड़ा टाइट स्पेस देखने को मिल जाएगा, आगे वाली सीट काफ़ी पीछे है, थोड़ी सी अगर आगे हो जाती है तो आपको यहाँ पे अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप गाड़ी के एसी विंड्स देख सकते हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे आप गाड़ी को अच्छे से देख सकते हैं। इस साइड भी आप गाड़ी को देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। जो सीट्स दोस्तों मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं इसमें। दोस्तों सीट्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी बता दूँ, जो इसकी सीट्स हैं वो सिमिलर हुंडई क्रेटा सीट्स हैं, आपको दोनों की सीटों में कोई डिफरेंट नहीं दिखेगा। आप अगर इस गाड़ी में बैठेंगे इस गाड़ी की सीटिंग और कुशंस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर आप हुंडई क्रेटा की सीट्स में बैठे हैं। यहाँ भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, सिमिलर सीट्स हैं हुंडई क्रेटा और हुंडई i20 के अंदर। यहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी को, इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हुंडई एलीट i20 का फ्रंट डैशबोर्ड। तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं और जानते हैं क्या क्या फीचर्स हुंडई ने हमको अपनी एलीट i20 में प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो ये आप ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे पावर विंडो लॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक्सटीरियर कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस का आप बटन देख सकते हैं, यहाँ पर आप इंटीरियर की जो लाइट्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप हेडलाइट हाइट एडजस्टर देख सकते हैं, और ये जो आप सीट देख रहे हैं ड्राइवर सीट, यहाँ से आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, और इस साइड से इस साइड को आप आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर चल के देखते हैं। तो ये आप हुंडई एलीट i20 का डैशबोर्ड देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने की गाड़ी स्टार्ट, और आप ये देख सकते हैं हुंडई एलीट i20 का सुपरविजन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी गाड़ी के बारे में। आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी गाड़ी के बारे में आप यहीं से ले सकते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, डोर की सेटिंग, लाइट की सेटिंग, कन्वीनियंस, सर्विस के बारे में जान सकते हैं, अदर फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, जो भी आपको गाड़ी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी वो सारी यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों गाड़ी की और बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूज़ बॉक्स देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ। इस साइड पे दोस्तों हुंडई गाड़ियों में काफ़ी अच्छा फीचर आता है। दोस्तों यहाँ पे जो एक फ़ीचर देखने देख रहे हैं ये एक स्मार्ट पेडल फीचर है, जैसे आपका पैर ड्राइव करते हैं थक जाता है तो आप इस पैर को यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी को ड्राइव करने में। तो ये आप देख सकते हैं इसका फ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। इस साइड
तो दोस्तों ये है इसका एफटेक क्लस्टर आयोनाइजर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो क्लस्टर आयोनाइजर का मतलब दोस्तों ये है कि ये एयर को क्लीन और फ्रेश रखने के काम आता है, और यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों इसके अंदर जो एडिशन है वो ये है वायरलेस चार्जर का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको वायरलेसली चार्ज के दिखा देता हूँ। तो देखो ये दोस्तों मेरा फ़ोन, इसको मैंने यहाँ पे रखा तो ये वायरलेसली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, हाई एंड कार्स में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग USB सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जर फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे USB और यहाँ पे ऑक्स सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगा CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, जो कि सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा आपको, प्रेस करने के बाद ब्रेक को आप पुश कीजिए और रिवर्स कैमरा इसका ऑन हो जाएगा। तो ये इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा विथ स्टीयरिंग अडेप्टिव कंट्रोल्स। आप जिस साइड पर स्टीयरिंग को मूव करेंगे उस साइड पर इसकी लाइन्स मूव हो जाएंगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छा पार्किंग में सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे हम वापस पार्किंग में इसको शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको हैंडब्रेक देखने को मिल जाएगा, इस तरफ आपको पॉकेट होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे आपको फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ भी आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। ये इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर, यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाएगा, लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, आप अलग अलग लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये था Hyundai i20 का फ्रंट डैशबोर्ड। दोस्तों कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो Hyundai Elite i20 में मिसिंग है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के बाहर चल के देखते हैं और इसके सेफ्टी फीचर्स के प्राइजेस के बारे में एक ओवरलुक ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी को 3-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है एक हैचबैक कार के हिसाब से। और इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स, ABS विद EBD, ऐसे सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों इसके प्राइस की अगर बात करें, जो लोएस्ट एंड पेट्रोल वेरिएंट है उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 5,50,000, और जो टॉप एंड डीजल वेरिएंट है उसका आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा 9,31,000। दोस्तों जो ये 10 लाख अंडर प्राइस रेंज की हैचबैक कार है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, साथ में इलीट i20 में कैसे फीचर्स हैं और क्या ये इलीट i20 मारुति सुजुकी बलेनो को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए बिना ना जाइएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाएं।